आपने ना म्यूजिक की बात की थी, हम्म, मैंने आपके इंस्टा पे अक्सर देखा है आप म्यूजिक की वो स्टोरीज भी लगा रही होती हैं। इनफैक्ट काबिश के कॉन्सर्ट की भी आपने यस, स्टोरी लगाई हुई थी, तो मतलब मेरे लिए तो वो बड़ा एक इट्स वेरी नाइस टू सी, क्योंकि हम लोग हमेशा आपको एक स्पेस में देखते हैं, एक वो लाइक टीवी की स्क्रीन में देखा, और हमारे लिए बस यही है कि सिर्फ ये सहाफी है और इससे लेफ्ट राइट कुछ नहीं है। तो आई वॉन्ट टू नो कि हाउ डू यू बैलेंस ऑल ऑफ इट, मतलब आपके भी शौक होंगे, आप भी मूवीज देखती हैं, किस किस्म की मूवीज देखती हैं, क्या म्यूजिक चॉइसेस हैं? अच्छा, सो म्यूजिक, वो काविश के कॉन्सर्ट की आप बात कर रही थी, तो किसी ने ट्विटर पे लिखा हुआ था कि आधा पाकिस्तान अरेस्ट हो रहा है और आधा काविश के कॉन्सर्ट में जा रहा है. सो उनका तो एक इतना जबरदस्त उनके कॉन्सर्ट्स का सिलसिला था, लाहौर में हुआ, फिर इस्लामाबाद भी दो कॉन्सर्ट्स हुए, फिर कराची में हुए. सो मैं काविश की बहुत बड़ी फैन हूँ, उनके लीड वोकलिस्ट हैं जाफर, सो उनके भी हम बहुत बड़े फैन हैं, और आप भी होंगी क्योंकि बहुत सारे लोग बिल्कुल हमारी जनरेशन और उसके बाद इसीलिए वाले. सो यू नो, या मुझे वन थिंग आई रियली लाइक, जो म्यूजिशियंस में या म्यूजिक में या गानों में जो खास तौर पे मुझे बात अच्छी लगती है, मुझे बहुत ज्यादा अपलिफ्टिंग जो गाने होते हैं वो भी बहुत पसंद है, लेकिन इस तरह की सोलफुल म्यूजिक जो होती है, जिसकी जो बड़ा एक पीसफुल आपको यू नो स्टेट ऑफ माइंड में ले जाती है, सो वो बहुत पसंद है मुझे. और उसके अलावा मूवीज जो है वो मैं बहुत तरह की मूवीज भी देखती हूँ, बहुत देखती हूँ. अच्छा, हाउ आई बैलेंस इट आउट, बिकॉज मुझे ये अंदाजा हुआ था कि मेरी जो जॉब है इट्स अ वेरी ड्राई सीरियस जॉब, क्योंकि मैं हमेशा से सियासत कवर करती थी जब एज अ न्यूज प्रेजेंटर भी या प्रोग्राम्स भी जो किए, सो यू नो हाउ मोनोटोनस इट गेट्स. सो बहुत देन आई वाज लाइक मोनोटोनस। यस, सो व्हाट आई डू इज कि यू नो मैंने एक काफी साल बाद ये रियलाइज किया, क्योंकि मैं बिल्कुल एक तरफ लग गई थी काम में, इट वाज इफेक्टिंग माय पर्सनालिटी आल्सो, एंड आई हैड स्टार्टेड एट अ वेरी यंग एज, सो मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं ये सब चीजें, तो मैं बहुत पसंद करती हूँ बाहर निकलना, दोस्तों शोस्तों से मिलना, एंड यू नो ऑल ऑफ दैट, द सोशलाइजिंग पार्ट ऑफ इट एंड एवरीथिंग. सो मैं बहुत अच्छा बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ उसको, अभी भी ये करती हूँ कि यू नो वीकेंड पे एक दिन मैं जरूर रखती हूँ कि व्हेन आई गो मीट माय फ्रेंड्स, एंजॉय माय सेल्फ, एंड सियासत और ये चीजों की बात नहीं हो रही होती. आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन इस्लामाबाद जो मीडिया से या पॉलिटिक्स वगैरह से उनका कोई खास ताल्लुक नहीं है, सो तब हम म्यूजिक की भी बात करते हैं, कोई ना कोई लाइव म्यूजिक भी चल रहा होता है, सो खानों की भी, खाने शाने भी चल रहे होते हैं बहुत सारे. सो ये आई कीप अ बैलेंस, विच आई मैं दूसरों को भी ये मशवरा देती हूँ बहुत दफा, ठीक है जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप थोड़े ज्यादा एम्बिशियस होते हैं और आप बहुत सारा टाइम दे रहे होते हैं काम को, लेकिन एक टाइम पे आपको बैलेंस करना पड़ता है, वरना आपकी जो पर्सनैलिटी है इंडिविजुअली, जो आपकी इंफरादी पर्सनैलिटी है, वो आई थिंक थोड़ी इफेक्ट हो वो जाती है. इफेक्ट हो जाती है।